देखो इसमें पहले रिवाइज कर रहे हैं जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि ड्रैग फोर्स क्या होता है कि अगर किसी लिक्विड में कोई फॉरनर ऑब्जेक्ट आप मूव करवाओगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में आप मूव करवाओगे उसके अपोजिट में लगता है। वो कितना लगता है? जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। ड्रैग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के। इसी को क्या बोलते हैं, स्टोक्स लॉ। और ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के। स्फीयर के लिए यानी कि इसके लिए सर्कुलर बॉडी यानी कि स्फीयर के लिए ही एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो उस केस में ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा, किसी और शेप की अगर ऑब्जेक्ट लोगे तो उस केस में ड्रैग फोर्स नहीं लगता। कितना लगेगा अभी तक एक्सपेरिमेंटली ये निकाला नहीं गया कि कितना लगेगा, वो और किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगा या इतना ही लगेगा। तो ये किसके लिए, ड्रैग फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर वी के। यहाँ पे ड्रैग फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीटा भी होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट क्या लग जाता है इसमें, 6 पाई प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। तो ड्रैग फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 6 पाई नीटा आर वी। नीटा क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि लिक्विड जो है कितना अपोज कर सकता है उस बात पर डिपेंड करेगा। हर एक लिक्विड का अलग अलग होगा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब हाँ एफ एफ ड्रैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसी बात को ही स्टोक्स लॉ बोलते हैं बस, ठीक है, इस बात को नहीं बोलते, बस इसी बात को स्टोक्स लॉ बोलते हैं। कि स्टोक्स लॉ कोई पूछे तो आप कहोगे कि एफ ड्रैग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, बस इस बात को स्टोक्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। वी वेलोसिटी होती है, आर क्या होता है यहाँ पे, रेडियस, यानी कि ड्रैग फोर्स जो होगा वो 6 पाई नीटा आर वी, और जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे उसके अपोजिट में लगेगा ड्रैग फोर्स, ठीक है। एक हमने बताया कि टर्मिनल वेलोसिटी, अगर मान लो एक बहुत हाइट से इनफाइनाइट डिस्टेंस हमारे रिस्पेक्ट में अगर बहुत हाइट से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, स्फेरिकल बॉडी यानी कि वाटर ड्रॉप है या फिर कोई बॉल आपने छोड़ दी, तो उस केस में उसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, एक ड्रैग फोर्स लगेगा और एक क्या लगेगा, अपथर्स फोर्स। वो ड्रैग फोर्स तो दो फोर्स लगेंगे और नीचे क्या लगेगा, एम जी। स्टार्टिंग में ड्रैग फोर्स भी कम होगा, अपथर्स फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। तो उस केस में एम जी ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी उसकी, बढ़ेगी। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि एम जी इन दोनों फोर्सेस को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। उस फोर्स को क्या, उस टाइम को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। और उस टाइम उसके बाद नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, फिर उस केस में जिस वेलोसिटी से, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगी, उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि एफ एफ प्लस एम जी इक्वल टू एफ एफ प्लस ड्रैग फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी के। तो यहाँ से एफ एफ की वैल्यू होती है एम जी बाई आर डी, और ड्रैग फोर्स क्या होता है, 6 पाई नीटा आर वी। वी यहाँ पे इसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, की जो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगी उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी मास के टर्म्स में एम जी इंटू में 1 माइनस 1 बाई आर डी डिवाइड बाई में 6 पाई नीटा आर वी। और इसी से डिराइव होके ये वाला फॉर्मूला आता है कि अगर मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पुट कर दोगे तो इसी से फॉर्मूला ही निकल जाएगा, 2/9 है यहाँ पे, 2/9 आर स्क्वायर जी बाय में नीटा रो एस माइनस रो एल, ठीक है। एक हमने पढ़ा था कि सरफेस टेंशन, जितने भी फ्री सरफेस होते हैं उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है और उसमें एक खिंचाव होता है, वो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, यानी कि वो खींचती है, उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, उसको खिंचाव रखती है। इलास्टिक मेम्ब्रेन का मतलब है कि एक खिंचाव होता है उसके ऊपर, यानी कि टेंशन होती है उसमें। तो अगर मान लो वाटर ड्रॉप भी, अगर बारिश हो रही है तो वाटर जो है वो स्फेरिकल शेप भी बन जाती है, वो किस वजह से, अगर एयर वगैरह ना हो, वैक्यूम में अगर ऐसा हो तो वो तुरंत स्फेरिकल शेप में आ जाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन हमेशा चाहती है कि कम से कम सरफेस एरिया में आए। तो इसलिए वो क्या चाहती है कि स्फेरिकल शेप ही ऐसी है कि जिसमें कम से कम उसका सरफेस एरिया वो घेरती है, तो यानी कि तभी उस केस में क्या आती है, वो स्फेरिकल शेप में। वो किस वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से होता है ऐसा। अगर सोप बबल के हमेशा क्या होती हैं, स्फेरिकल शेप में होती है, सरफेस टेंशन होती क्या है, फोर्स अपॉन में लेंथ, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं हम, सरफेस टेंशन। यानी कि एक फ्री मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक लाइन ड्रॉ कर लो, इमेजिनरी लाइन देखो, और उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो एक साइड का फोर्स डिवाइड बाय में लेंथ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन। और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन होगी एम टी माइनस टू। सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इंटू में सरफेस एरिया, यानी कि एस इंटू में ए। तो सरफेस एनर्जी की यूनिट हो जाएगी जूल, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू, यानी कि उसमें कितनी एनर्जी जो है, सॉरी, यानी कि
अगर एनर्जी इसमें निकालनी है, वाटर ड्रॉप दे रखा है, सरफेस टेंशन आपको दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो हम उसमें एनर्जी निकाल सकते हैं. एस इंटू सरफेस टेंशन आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, इसका मतलब एरिया गिवन है. रेडियस क्या हो जाएगा, 4πr², तो एस इंटू में क्या कर दोगे, 4πr². एस की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो क्या निकल जाएगी, सरफेस टेंशन. सेम इसमें सोप बबल, अगर सोप फिल्म दे रखी तो इसका मतलब उसमें 2 मेम्ब्रेन होगी, तो सरफेस टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, 2s × में एरिया. एरिया कितना हो जाएगा, एक स्क्वेयर फिल्म दे रखी है तो एरिया क्या हो जाएगा, a² के इक्वल. इसमें भी आपको दे रखा है कि सोप बबल दे रखा है, तो इस केस में भी सरफेस टेंशन पूछिए तो 2s और इंटू में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4πr², स्फेरिकल दे रखी है आपको. अब इस केस में एक बिग ड्रॉप जो है वो 8 स्मॉल ड्रॉप में डूबगी, तो यानी कि आपने कुछ ना कुछ वर्क करा होगा. सरफेस टेंशन अगर ऐसा होता है कि बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में टूटी है, छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉप बन रही है, तो सरफेस टेंशन सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती. तो इस केस में वॉल्यूम भी हमेशा कंजर्व रहेगा, ये नहीं है कि उसका मास बढ़ गया है, बट डेंसिटी अलग होगी, वॉल्यूम भी कंजर्व रहेगा. तो इस केस में इसमें अगर आपने वर्क करा होगा इसको 8 पार्ट्स में, अपने आप तो टूटी नहीं होगी, तो पहले एनर्जी क्या थी, बाद में एनर्जी क्या होगी, दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो उतना आपने क्या करा होगा, वर्क करा होगा. पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दो, उससे आर में रिलेशन निकल जाएगा, फिर इनिशियल एनर्जी देख लो और फाइनल एनर्जी देख लो, दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क. सेम इसमें अगर बड़ी छोटी ड्रॉप्स बड़ी ड्रॉप्स में मिलती हैं तो एनर्जी रिलीज होगी उसके इसमें, तो ये देख लो कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो माइनस में साइन आ जाएगा. अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे और इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो प्लस में आ जाएगा, तो एनर्जी रिलीज होगी उसके इसमें. एक होता है कि वाटर एक्सेस प्रेशर, यानी कि वाटर ड्रॉप्स होती हैं, अंदर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, बाहर प्रेशर क्या होता है, कम होता है. अंदर यानी कि इस पार्ट को बोलते हैं पी कनके और बाहर को बोलते हैं पी कन्वेक्स, तो यहाँ पे ये कितना ज़्यादा होता है, 2s/r. बाहर तो प्रेशर पी नोड का होगा, अंदर जो प्रेशर होगा पी नोड प्लस क्या होगा, 2s/r, तो कितना ज़्यादा होता है, 2s/r. एस हो यहाँ पे सरफेस टेंशन, आर जो होगी वो क्या होगी, रेडियस. अगर सोप बबल दे रखा है तो उस केस में प्रेशर कितना हो जाएगा, 4s/r, क्योंकि 2 मेम्ब्रेन है, तो एक मेम्ब्रेन 2s/r लगाएगी, दूसरी भी 2s/r, तो कितना हो जाएगा, 4s/r. अगर एयर बबल दे रखे हैं तो उसमें भी प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, 2s/r का. कैपिलरी लाइज, अगर इसमें एक वाटर कंटेनर में आप कैपिलरी ट्यूब्स डालते हो, बिल्कुल पतली होती है, यहाँ पे रखी हुई है, किसको देखना है तो देख सकता है, तो अगर उसमें डालोगे तो उस केस में बहुत ज़्यादा पतली होती है वो, तो अगर देखोगे तो पानी क्या चढ़ जाता है उसमें, ऊपर चढ़ता है, तो कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ता है, 2s cos θ / r ρg. एस यहाँ पे एस क्या होगा, सरफेस टेंशन, कोस थीटा क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो है ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, और आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैपिलरी, और पी डेंस रो क्या होता है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी हो जाएगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इतना ऊपर अगर वाटर के केस में है तो इतना हाइट ऊपर चढ़ जाता है, अगर मरकरी है तो इतना हाइट नीचे चला जाएगा. क्यों हो जाता है, ताकि प्रेशर क्या हो जाए, मेंटेन. लो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अगर एक ही सेम टाइप का लिक्विड है, अगर उसमें हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो पॉइंट्स आपने बांधे हैं, दो पॉइंट्स क्या हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो इसमें ऊपर चढ़ता है, ऐसी शेप बन जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे क्या होगा, कम, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, पी नोड का, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, तो वो लो फेल हो गया. तो इसलिए उस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए लिक्विड जो है वो क्या चढ़ जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, और कितना ऊपर चढ़ता है, 2s cos θ / r ρg, यानी कि राइज करेगा. अगर मरकरी का केस दे रखा है तो डिप्रेस होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा. इसमें इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी किसी भी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, ये आप लकड़ी के लिए नहीं होती, ना किसी लिक्विड के लिए हम देखते हैं, एक मेटल जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, या फिर स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब के लिए. तो उस केस में मान लो एक रोड है जो कि मेटल की बनी हुई है, अगर उसके ऊपर आप एफ का फोर्स लगाओ, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी रोड या किसी मेटलिक ऑब्जेक्ट रोड को खींच रहे हो, तो उस केस में जब खींच रहे हो तो वो क्या लगाती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है. जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो वो तुरंत अपनी ओरिजिनल सेफ साइज में आना चाहती है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी. किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है और वो उसको अपनी ओरिजिनल सेफ साइज में लाती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी. ठीक है, तो आयरन के केस में आपको जितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी उसकी लेंथ आपको क्या कर सकते हो, डिफॉर्म कर सकते हो उसको, तो यानी कि उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. जितना हार्ड ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, इलास्टिसिटी क्या होगी उसकी, उतनी ही ज़्यादा होती है. तो इस केस में, और इस केस में अगर एक रोड है, मान लो ये रोड के केस के लिए ही अप्लीकेबल है, कोई और टाइप्स का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, रोड ही होनी चाहिए. ये सारे फॉर्मूले रोड को लेकर डिफाइन किए गए हैं, इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट होगा तो उस केस में डिफाइन नहीं है.
ठीक है, रोड होनी चाहिए और वो मेटल की ही बनी होनी चाहिए, यानी कि मटेरियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, जितने भी आपने क्वेश्चन करे होंगे सब में यही दे रखा होगा। तो इस केस में उसके ऊपर एफ का फोर्स लगा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसका, ए, तो उस केस में इस दो फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो जाती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता है फोर्स बाय में एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इस रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में फोर्स, इस पे ऊपर जितना आप फोर्स अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो और जितना इसका एरिया, तो फोर्स बाय एरिया रेशियो होता है फोर्स का और क्रॉस सेक्शन एरिया का। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, क्योंकि आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो लेंथ क्या हो जाएगी, हल्की सी बढ़ जाएगी, चाहे वो बिल्कुल कम बढ़े, तो उस केस में लेंथ यानी कि डेल्टा एल बाय में क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। एक्सपेरिमेंटली एक हुक नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया कि एक लिमिट तक ही जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। उस लिमिट को अप टू ए लिमिट कॉल्ड हुक्स लिमिट, यानी कि एक लिमिट होगी, अगर वहाँ तक आप रोड को खींचोगे तो उस केस में स्ट्रेस जो है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बट एक लिमिट तक ही होगा। अगर वो लिमिट मान लो आपने 3 मीटर तक खींचा, तो उस केस में उस तक स्ट्रेस जितना डेवलप होगा उस स्ट्रेन भी क्या होगा, उतना ही डेवलप होगा, यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। उससे बाद भी आप खींच रहे हो तो उस केस में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा, और इस बात को हुक्स लॉ बोला जाता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है गामा, गामा होता है यंग्स मॉडुलस, ये मटेरियल पे कि किस मटेरियल का बना हुआ है, रोड किस मटेरियल की बनी है, उस पे डिपेंड करता है, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, यानी कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड पे डिपेंड करेगा कि वो आयरन की बनी है, कॉपर की बनी है, एल्यूमिनियम की बनी है। तो आयरन का ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, स्टील से भी, और एल्यूमिनियम, स्टील का ज़्यादा होगा कॉपर के कंपैरिजन में, तो इसलिए यंग्स मॉडुलस आपको गिवन ही होगा, ठीक है। एक इसमें यानी कि यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी गामा ए बाय एल इंटू डेल्टा एल, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या लग जाएगा, उतना ही लग जाएगा, और वो दोनों अगर डिफॉर्मिंग फोर्स जीरो तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। बट वो उसको ओरिजिनल सेप साइज लाने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगा, ये नहीं है कि आपने तुरंत हटाया वो भी जीरो हो गया और वो उसी सेप साइज में पड़ी हुई है रोड, ठीक है। तो यहाँ पे गामा ए बाय एल को लिख सकते हो आप के, के क्या होता है इंटर एटोमिक फोर्स कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू होगी गामा ए बाय एल। एक इसमें रोड में आपने इसको खींचा है तो इसमें क्या हो जाएगी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ये एनर्जी स्टोर इसके पूरे वॉल्यूम में स्टोर होगी, तो वो कितनी होगी हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, ठीक है। दूसरी एनर्जी डेंसिटी, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी होगी हाफ गामा ए बाय एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइड बाय ए एल। इसी को सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। मैम इसके बेसिक पॉइंट में ये लिखा है कि अगर लेंथ एल दे रखी है रोड की, उसमें डेल्टा एल का इंक्रीज होता है, बट वो टेम्परेचर के कारण होता है, वो टेम्परेचर की वजह से, वो सराउंडिंग के चेंज की वजह से हुआ है, आपने खुद नहीं करा, तो उस केस में उसके ऊपर कोई इफेक्ट वो नहीं करता, मतलब स्ट्रेन जीरो होगा उस केस में। आपको खींच रहे हो, आप खुद उसके ऊपर वर्क कर रहे हो तो ही उसमें स्ट्रेन डेवलप, वो सराउंडिंग के चेंज होने की वजह से टेम्परेचर चेंज करा तब वो उसके उसमें उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, तो स्ट्रेन जीरो होता है उस केस में। कोई और डाउट इसमें बेसिक पॉइंट में, कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से स्ट्रेन जीरो ही होता है चाहे लेंथ बढ़ी, क्योंकि आपको खुद वर्क नहीं करा, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक है।